हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक ऐसे डेंजर केमिकल के बारे में बताने वाला हूं जो कि इंडिया के अंदर डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज हो रहा है, यानी कि सरफेस को सैनिटाइज करने के तौर पे यूज हो रहा है। ये एक सस्ता केमिकल होने की वजह से यूज हो रहा है, अदरवाइज तो ये केमिकल बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इवन कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इसको यूज कैसे करना है। तो इन्हीं सब बातों को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इस केमिकल को क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ को क्या नुकसान होगा, हमारी एसेट या हमारी प्रॉपर्टी को क्या नुकसान होने वाला है। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलते रहें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस केमिकल का नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड और इसे इंडिया में सस्ता होने के चक्कर में लोग डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इसकी डोज बनाई कैसे जाती है, पानी के अंदर इसको कितना मिलाना है और किस तरह से आपको सरफेस को डिसइंफेक्टेंट करना है। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डोज कैसे बनाई जाती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको क्यों यूज नहीं करना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ को और हमारी प्रॉपर्टी को क्या क्या नुकसान है, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये जरा भी कॉस्ट इफेक्टिव क्यों नहीं है। मार्केट में जो अभी इससे बहुत ज़्यादा महंगे केमिकल अवेलेबल हैं सैनिटाइज के लिए, मैं उससे इसको कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको, और आप फिर एंड में खुद ही बोलोगे हाँ यार ये केमिकल तो बहुत ही खतरनाक हम यूज़ कर रहे हैं और जरा भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ऊपर से हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान भी कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डोज बनाई कैसे जाती है। देखिए, मार्केट से आप जो भी सोडियम हाइपोक्लोराइड कैन खरीदते हैं, सबसे पहले तो आपको उसके ऊपर ये देखना है कि उसके ऊपर कितने परसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड लिखा है। जो अच्छी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं वो उस पर उसकी परसेंटेज लिखती हैं, जैसे कि 5% है या 6% है या 10% है। नॉर्मली जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं वो 5% और 6% वाले सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपनी कैन के ऊपर आप देख लें क्या ये लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ लोकल कंपनी ऐसी भी हैं जो कि वहाँ पर अपनी परसेंटेज नहीं लिखती। इवन वो तो ये भी नहीं लिखती कि एक्सपायर कब होगा। देखिए, अगर आपके पास ऐसी कैन है जिसके ऊपर 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड है, बाकी सब पानी है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग किसी भी सरफेस को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% का सोल्यूशन यूज करना है। तो 1% का सोल्यूशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो हमारे पास कैन है जिसके अंदर केमिकल रखा हुआ है, उस कैन के ऊपर कितने परसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड लिखा हुआ है। अगर उस पर 5% लिखा हुआ है तो आपको 1% का सॉल्यूशन बनाने के लिए 4 लीटर पानी लेना होगा और 1 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड उसके अंदर डालना होगा। और अगर 6% लिखा हुआ है तो 5 लीटर पानी लेना होगा और 1 लीटर उसके अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाना होगा, तब जाकर आपका 1% का सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा। तो ये इसका यूज करने का तरीका है। अगर आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं देन तो आप सही से इसको यूज कर पा रहे हैं, और अगर आप इस मेथड को यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, होना कुछ नहीं है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, आप कोई भी इस तरह का केमिकल अगर यूज कर रहे हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको चलना है। और अगर आपकी कैन के ऊपर परसेंटेज नहीं लिखी हुई है तो समझ लो वो आपने ऐसे पानी उठा के लिया है मार्केट से, पता नहीं क्या चीज़ है वो। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और इसको यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, अब मैं आपको बता देता हूँ इसको क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है वो बेसिकली एक ब्लीच है, लेकिन इसे आजकल लोग डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। चूँकि ये ब्लीच है, इसका 1% का सोल्यूशन बनाकर अगर हम इसका स्प्रे किसी भी दीवार पे कर देंगे या किसी भी कलरफुल चीज़ पे कर देंगे, जैसे कि आपका सोफ़ा हो गया, आपके कर्टेंस हो गए, आपके कपड़े हो गए, तो उनका ये कलर फेड कर देगा, कलर उड़ा देगा। नंबर 2, ये बहुत ज़्यादा क्रोसिव होता है, ये किसी भी मेटल के ऊपर जंग लगा देता है, वो चाहे आपकी स्टेनलेस स्टील की चीज़ हो, चाहे वो आपके लोहे की चीज़ हो, चाहे आपके एल्यूमिनियम की चीज़ हो। और मोस्टली हमारे घरों के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता ही होता है। नंबर 3, आप सोडियम हाइपोक्लोराइड को जिस भी स्प्रेयर के अंदर यूज़ करेंगे या जिस भी फोगर के अंदर यूज़ करेंगे, उसको ये 1 मंथ के अंदर ही ख़राब कर देता है। जहां आपका नॉर्मली फोगर या स्प्रेयर 3 से 4 साल चलना चाहिए, वो 1 महीने में ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये उसके रबर पार्ट को, उसके मेटल के पार्ट्स को ख़राब कर देता है।
ये तो मैंने आपको बताया कि इससे आपके एसेट को क्या क्या नुकसान होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इससे आपके हेल्थ को क्या नुकसान होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट से आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं, आपकी आंखें रेड हो सकती हैं और आपकी स्किन पे भी जलन करने लगता है। इसके अलावा सोडियम हाइपोक्लोराइट को अगर आप ऐसी जगह पर यूज कर रहे हैं जहां पर एसिड था, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके एक ऐसी गैस बनाता है जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए इस तरह के केमिकल को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। ये आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी एसेट को और आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान देता है। और अब मैं आपको बताता हूँ सोडियम हाइपोक्लोराइट जरा भी कॉस्ट इफेक्टिव क्यों नहीं होता और ये दूसरे केमिकल से क्यों महंगा है। अगर आप मार्केट में अवेलेबल डाइवर्सी कंपनी के दो प्रोडक्ट्स लें, एक तो वायरेक्स 256 या वायरेक्स 256 जो कि मार्केट में 5,000 रुपये में अवेलेबल है डिसइंफेक्टेंट, और दूसरा एबट प्लस जिसके अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है 6%, ये इसकी जो कैन है 5 लीटर की वो 1500 रुपये की आती है। दोनों ही डाइवर्सी के प्रोडक्ट हैं। अगर हम इसके थ्रू कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं किसी भी सरफेस को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, तो 5 लीटर के अंदर जो हम यूज़ करेंगे एबट प्लस वो 1 लीटर यूज़ करेंगे, तो 1 लीटर की कॉस्ट कितनी आई आपकी 300 रुपीज़। वहीं अगर हम वायरेक्स 256 यूज़ करते हैं तो 5 लीटर का सोल्यूशन बनाने के लिए हमें केवल 50 ml वायरेक्स 256 लगेगा, यानी केवल हमारी जो कॉस्ट आई वो केवल 50 रुपये आई। तो यानी कि ये आपको 6 गुना महंगा पड़ा। वहीं अगर हम वायरेक्स 256 को लोकल मार्केट में अवेलेबल सोडियम हाइपोक्लोराइट से कंपेयर करें तो वहां पर भी यही केमिकल सस्ता पड़ेगा। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप 6% वाला सोडियम हाइपोक्लोराइट की कैन मार्केट से लेते हैं तो मिनिमम 500-600 रुपये की आपको पड़ती है। अब अगर इसके थ्रू आप सोल्यूशन बनाते हैं 1% का, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो 100 रुपये से लेकर 120 रुपये आएगी। वहीं वायरेक्स 256 की कॉस्ट क्या आएगी, केवल 50 रुपये। यानी कि यहाँ पर भी ये केमिकल ज़्यादा बेस्ट है। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपसे शेयर करी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए केमिकल्स के बारे में, कौन सा केमिकल आपके लिए बेस्ट रहेगा डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो में आगे फ्यूचर में लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।